हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर को हम थोड़ा रिकवर करते हैं, रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा खासकर लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, उससे वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोशिश की ये जानने की कि लैंग्वेज में सेंटेंसेस का अपना बड़ा इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज में सेंटेंसेस का अपना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने ज़्यादातर ये कोशिश की कि सेंटेंसेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सेंटेंसेस दो ग्रुप में डिवाइड है, नॉन एक्शन और एक्शन, नॉन एक्शन एंड एक्शन, ये दो ग्रुप में ये सेंटेंसेस डिवाइड है। ये लास्ट लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की, हमारे फर्स्ट लेक्चर में इसको समझने की कोशिश की। सेकंड एक चीज हमने देखी कि लैंग्वेज बगैर नाउन की, बगैर नाउन को समझे लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारी चीजें नाउन या नाम से कनेक्टेड है। तो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउन्स को हम लोगों ने समझा था, जिसे ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउन में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउन है। अगर आप लैंग्वेज को, आप लैंग्वेज को अगर गौर से देखो, आप केयरफुली समझो लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज इसी के अतराफ घूमती है, इन चीजों के अतराफ घूमती है, इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में, इनके एक्शंस के बारे में, इनकी पोजिशन के बारे में, इनके लोकेशन के बारे में ही बात होती है। नॉर्मली जो भी बात होती है वो इनसे कनेक्टेड है, चाहे कोई इनके एक्शन की बात की जाए, या कोई इनके लोकेशन की बात की जाए, या इनकी क्वालिटीज़ की बात की जाए, या इनके एडजेक्टिव्स के बारे में बोला जाए, तो उससे ही कनेक्टेड लैंग्वेज है। तो बेसिकली लैंग्वेज इनसे कनेक्टेड है और इनसे मुताबिक ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और उन सारे सेंटेंसेस को हमने देखा, उनको दो ग्रुप नज़र आते हैं हमको, नॉन एक्शन और एक्शन। फिर चूंकि हम ग्रामर के टर्म्स को जानने की कोशिश करें कि जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो ग्रामर में हम नॉन एक्शन और एक्शन की बजाय हम टर्म यूज करेंगे बी वर्ब और वर्ब सेंटेंसेस, बी वर्ब सेंटेंसेस और वर्ब सेंटेंसेस। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि से के एक्शन वर्ब और बी वर्ब। तो जब हम इसलिए ग्रामर शुरू करने वाले पढ़ाने के लिए, जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी वो इस पर बेस करेगी कि आप फर्स्ट जो टॉपिक्स हमारे होंगे वो कनेक्टेड होंगे बी वर्ब पे, डिपेंड करेंगे हम बी वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आफ्टर कुछ लेक्चर हम लोग एक्शन वर्ब को शुरू करेंगे। बट इनिशियली हमारा फर्स्ट 15 लेक्चर्स तक, 10-15 लेक्चर्स तक बी वर्ब ही आपको सिखाया जाएगा, और बी वर्ब काफ़ी ईजी है समझने के लिए। वंस आप बी वर्ब को समझ लोगे तो आपका एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस भी ईजी हो जाएंगे, दैट इज क्योंकि वो थोड़े लिटिल डिफिकल्ट है कंपेयर टू बी वर्ब। बट कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती जब तक हम पर, हमारे पास करेज है, विल है सीखने की, तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम ये देखा कि किस तरह से सेंटेंसेस या सेंटेंसेस एक्शन और नॉन एक्शन ग्रुप में रखे, नाम ने सारी चीज़ें नाम के अतराफ घूमती है। हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो नाम, जो लैंग्वेज खास इस्तेमाल होती है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, कौन इस्तेमाल करता है, ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ना कोई पर्सन हू स्पीक्स एंड पर्सन हू लिसन, पर्सन हू स्पीक एंड पर्सन हू, लैंग्वेज बगैर दो की बनती नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए टू वे है, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और चार्ट देखा था कि किस तरह से लैंग्वेज का चार्ट था कि स्पीकर होगा और लिसनर होगा, स्पीकर होगा और लिसनर होगा, बात होगी और बात करने वाला और सुनने वाला होगा। फिर हमने एक अच्छी तरह कोशिश की ये समझने की कि इनके बीच में, ये जो दो के बीच में हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज है,
दो चीज में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इनके बीच में हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि टॉपिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें गौर किया जाता है, जो ज्यादा जिस पर लैंग्वेज बेस करती है, वो टॉपिक या सब्जेक्ट होता है। विदाउट सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट, लैंग्वेज बेसलेस हो जाती, कम्युनिकेशन बेसलेस हो जाता है और उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होता। दैट इज ऑल्सो सेड एज वेस्ट ऑफ टाइम, जिसको ऐसा बोला गया कि पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम। जब आपका सब्जेक्ट सही नहीं हो, अननेसेसरी आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, आपका कोई सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं, तो पीपल विल टेल यू यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हाउ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट ही आप प्रॉपर नहीं है तो आपके लैंग्वेज बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता है। चाहे आप हिंदी बोले, चाहे गुजराती बोले, चाहे मराठी बोले, कोई भी लैंग्वेज बोले, बट आपका सब्जेक्ट ही अगर सही नहीं है तो आपकी लैंग्वेज भी बिल्कुल सही नहीं हो सकती। तो सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट बहुत जरूरी है और सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्ट के भी कैटेगरीज हैं, सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया गया है। और किस तरह से सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, पर्संस में सब्जेक्ट के 3 पर्संस बनाए गए, सब्जेक्ट को 3 पर्सन में रखा गया। क्यों? सामने आपके मौजूद है कि जैसे मैंने आपको क्या कहा, एक तो स्पीकर है, दूसरा है लिसनर। अब उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो वापस रिवर्स डायग्राम बनेगा। सब्जेक्ट या तो खुद स्पीकर होगा या लिसनर होगा या फिर एनी थर्ड person, place, any third person होगा, place होगा या thing। मतलब ऊपर speaker आ गए, listener है, फिर नीचे आप देखते हो ऊपर से speaker है, listener है, any third person thing। मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्त लोगों के बीच का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, और सब्जेक्ट खुद स्पीकर भी हो सकता है, लिसनर भी हो सकता है, जो सुन रहा है वो भी हो सकता है, या फिर कोई तीसरी चीज, कोई तीसरा इंसान, कोई तीसरी जगह हो सकती है। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट को आप देखोगे तो इस तरह से सब्जेक्ट आपकी समझ में आ जाएगा। आप कैसे समझे सब्जेक्ट को, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है सेकेंड क्वेश्चन और क्या है थर्ड क्वेश्चन। चलिए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की हम बात करें। जिसे हम लिखेंगे आगे जाके कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऊपर लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप कैसे, जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है और जो सुन रहा है, जब स्पीकर बात करते हुए अपने बारे में बताए, इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे, खुद के बारे में बात करेगी, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसके अपने एक्शंस के बारे में, उसके अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, अपने लोकेशंस के बारे में अगर वो बता रहा है, और उसके अपने एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहा है, अपनी क्वालिटीज के बारे में बता रहा है, और खुद अपने बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा फर्स्ट पर्सन। आपका सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन। मगर अगर वो सामने वाले के बारे में बात कर रहा है, सामने वाले को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा सेकेंड पर्सन, जो सब्जेक्ट होगा सेकेंड पर्सन। अगर वो किसी तीसरे चीज के बारे में या किसी तीसरे इंसान के बारे में या किसी तीसरी जगह के बारे में बात कर रहा है जो टॉक में मौजूद नहीं है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं, अगर मैं अपने बारे में आपको बताया, जैसे मैंने आप अपने बारे में आपको बताया, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट 20 साल से मैं कंप्यूटर, इंग्लिश और अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी क्लासेस है, मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 30 ईयर्स का है इस फील्ड में, तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ।
मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए, आप एफर्ट दीजिए, आप वर्ड्स कलेक्ट करें। तुमको वर्ड्स कलेक्ट करना है, तुमको मॉर्निंग में उठना चाहिए, जल्दी उठ के वर्ड्स कलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको इस वक्त इंग्लिश के बारे में सिखा रहा हूँ, कैसे इंग्लिश बोली जाती है। इस वक्त मेरा सब्जेक्ट थर्ड क्वेश्चन है। या अगर मैं आपको पेन मेरे हाथ में है, आप भी देख रहे हो, बट पेन हमसे बात नहीं कर सकता, तो कभी भी ये फर्स्ट पर्सन ये सुन भी नहीं सकता, तो कभी भी ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं होता। तो ऐसी कोई चीज जो मौजूद हो जगह जहाँ पे हम बात करें या मौजूद ना हो, बट वो टॉप में अगर शामिल नहीं है तो वो थर्ड पर्सन मानी जाती है। तो थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, प्लेस हो सकती है, जगह हो सकती है, इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कब होता है? जब बात करने वाला जो बात कर रहा है, जो समझा रहा है, जो बोल रहा है, वो अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कब होगा? जब किसी सामने वाले को एडवाइस करे, इंस्ट्रक्शन दे, तब वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन जब तो बात करने वाला ना अपने बारे में बात करे, ना सामने वाले के बारे में बात करे, बल्कि किसी तीसरी जगह, किसी तीसरी प्लेस की बात करे, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरह से हमने समझ गया कि अब आपको इसी पर्सन पे लैंग्वेज बहुत डिपेंड करती है। जब तक आपको पर्सन समझ में नहीं आएंगे, आप ग्रामर आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लैंग्वेज शुरू ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन पे, क्योंकि सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। जब फर्स्ट सब्जेक्ट को ही नहीं समझोगे, अगर सिर्फ इसलिए इसको कैटेगराइज किया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में ग्रामर के रूल्स अलग है, सेकंड पर्सन में थोड़े ग्रामर के रूल्स अलग है, थर्ड पर्सन में ग्रामर के रूल्स अलग है, सेंटेंस अलग तरीके से बनता है, इसलिए इसको कैटेगराइज किया गया ताकि आप ग्रामर को इजीली समझ सके। फिर एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जब स्पीकर अपने बारे में बताए, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो फर्स्ट पर्सन होगा। जब स्पीकर किसी को एडवाइस करे, सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस दे, उसके बारे में उसको बताए, तो क्या होगा? सेकंड पर्सन। जब स्पीकर किसी तीसरी जगह की, चाहे वो एक हो एक से ज्यादा हो, उसके बारे में बात करें, तो क्या होगा? वो थर्ड पर्सन। अब सेकंड लेक्चर हमारा शॉर्ट लेक्चर है, जिसमें हमको ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे जाके आप देखेंगे किस तरह से फर्स्ट पर्सन को लेके और वर्ब को लेके सेंटेंसेस बनते हैं, सेकंड पर्सन को लेके और वर्ब को लेके किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, थर्ड पर्सन और वर्ब को लेके किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, एक्शन वर्ब में भी फर्स्ट पर्सन को लेके किस तरह सेंटेंस, सेकंड पर्सन को लेके किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, और थर्ड पर्सन को लेके किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। इंशाल्लाह तब आपको जाके बहुत ईजी होगा ये समझने के लिए। तो आप बेसिकली ये चार्ट को एक बार गौर से देख लीजिए, वापस एक बार उसको देख लेते हैं। लैंग्वेज, सेंटेंसेस में दो ग्रुप है, एक्शन नॉन एक्शन, एक्शन नॉन एक्शन को वर्ब बोला गया और एक्शन को वर्ब बोला गया। लैंग्वेज हमारी किसके अराउंड घूमती है? पूरी नाम के अराउंड घूमती है, बगैर नाम को समझे, बगैर नाम को एक्सप्लेन किए हम लैंग्वेज को बोल ही नहीं सकते, लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। ना आपके पास कोई नॉलेज होगा बात करने, आपको ग्रामर आता भी है बट आपको नॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इवन आप बात नहीं कर सकते। आपकी लैंग्वेज कितनी भी अच्छी हो बट आपके पास नॉलेज ही नहीं है नाम के बारे में, क्या बात की जाए, किस टॉपिक पे बात की जाए, तो आप बात ही नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें ब्रॉडली इसमें आ जाती है, नाउन में आ जाती है। फिर हमने देखा कि किस तरह से बात होती है, लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, कोई बोलने वाला है और कोई सुनने वाला है, दो के बीच में इंट्रैक्शन होता है, दो के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो एक बोलने वाला एक होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सुनने वाला एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, समझे। फिर हम लोग देखेंगे कि जब आपस में दोनों के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको कहा जिसका सब्जेक्ट सही नहीं है, जिसका टॉपिक सही नहीं है, तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन बेसलेस हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम बोला जाएगा उसको, ये बोला जाएगा कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्ट कैसे होता है? जब हमने देखा कि जब बोलने वाला अपने खुद के बारे में बात करे, तो जो स्पीकर खुद के बारे में बात करे तो फर्स्ट पर्सन है, लिसनर के बारे में बात करे तो सेकंड पर्सन है, सामने वाले को इंस्ट्रक्शन करे, एडवाइस दे, तो सेकंड पर्सन है,
और किसी तीसरी जगह की बात करें तो थर्ड पर्सन आता है। तो ये बेसिकली लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नाम को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि नाम को और ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी बात तो नाम के अराउंड में ही घूम रही है। नाम के टाइप्स क्या है, नाम के कैटेगरीज क्या है, नाम कैसे यूज किया जाता है, तो वहां पर जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि नाम को समझने की। नाम प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। आप नाम को सिंगुलर है, नाम प्लूरल है, ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको समझने की। जैसे नाम अपने चीजें देख रही तो कई चीजें, एक टाइप की चीजें कई हजारों में, इंसान हजारों में, जानवर हजारों में, लाखों में, चीजें हजारों में, एक टाइप की चीजें हजारों, एक एक शक्ल वाली चीजें हजारों में, मतलब एक जैसी चीज हजारों में, तो एक टाइप की चीजें हजारों में ज्यादा नंबर्स नहीं है। जैसा इंसान ज्यादा नंबर्स में, औरतें ज्यादा नंबर्स, मेल ज्यादा नंबर्स में, फीमेल ज्यादा, तो सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट होगा। फिर प्लूरल से किस तरह से हम लोग कॉमन और प्रॉपर नाउन बनाते हैं, कौन सी चीज कॉमन होती है, किसी को कॉमन करके बाद नाउन किस तरह से कॉमनली यूज होता है और किस तरह प्रॉपर वे में यूज होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली इस सेकेंड लेक्चर को आप एक बार रिव्यू कर लो, ध्यान में ले लो। इन दिस लेक्चर वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज, द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड what is the base of language, backbone of language is sentence, and the sentences, they are divided into two categories, non-action and action. They are divided into two categories, action, non-action sentences and action sentences. There are, then we have explained you about noun. What is noun? So first we have seen that broad category of nouns. Broad category of nouns, what we are seeing? We have seen human beings, animals, birds, places and things. इस तरह से noun की broad categories हैं, human beings हैं, animals हैं, birds हैं, places हैं, things हैं। फिर हमने कोशिश की कि subject को समझने की, what is subject? We have tried to understand that what subject is actually. Subject is the topic of the talk between two people, okay? The information between two people, that could be the subject actually. What they are talking of, that is the subject. So subject is also divided in three groups. The first group which is called first person, second person and third person. What do you mean by first person? The person who speaks, he speaks about himself or herself. That is called first person. A person who advises to a person who is listening. He is giving him instructions. He is advising or she is advising the person who is listening. That is called second person. But the speaker, the person who is talking, who is speaking, he talks about the third thing, third place. Okay? A third person, male or female, that is called what? Third person. So these three persons are very important. Complete grammar is based on first person, second and third person. Once you understand the first person, second person, the concept of first person and second person and third person, your grammar will become very easy to understand. Second thing is that when we go to make the sentences, we'll move to make the sentences, that time we'll see how the sentences will be framed using be verb with first person, second person and third. How the sentences will be constructed using action verb with first person, second person and third. So we have seen all this chart properly, we conclude the lecture here and stop the lecture. In third lecture we'll try to elaborate now. हम नाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एंड देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नाम। और खुद काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नाम के बारे में हमको जानना जरूरी है, बगैर उनको समझे हुए ग्रामर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम फिर से नाम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, नाम को समझने की कोशिश करेंगे और थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट से उनको समझने की कोशिश करेंगे। और मे बी इन फिफ्थ टू सिक्स्थ लेक्चर विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।